मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा सारा देश और सारी दुनिया कोरोना वायरस के चक्रव्यूह में उलझी हुई है। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आना है, जीत कर दिखाना है, आने वाले कल का निर्माण करना है। हमें किसी योद्धा की तरह अपने आप को पेश करना होगा। एक योद्धा वह होता है जो बाहर के युद्धों पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन हमें इस तरह का एक योद्धा बन करके पेश आना है जो अपने आप पर विजय प्राप्त करे, अपने आप को नियंत्रित करे, अपने घर और परिवार को आने वाले समय के लिए बचाए। हमें अपने खुद को, अपने परिवार को, समाज और देश को बचाने के लिए सबको अपने घरों में रहना होगा। कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूरी बनानी होगी। हमें कुछ इस तरह से जीना होगा जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बनकर जिए थे, जैसे भगवान श्री महावीर 12.5 वर्ष तक जंगल में एकाकी एकांतवास में रहे थे। हमें भी अपने घर और परिवार के बीच में रहकर ऐसा ही एकाकी जीवन जीना है। अगर हम अच्छे अर्थों में लें तो कोरोना वायरस एक तरह से हमें अपने परिवार को फिर से समझने के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन, इनके सबके महत्व को समझने के लिए हमारे लिए एक वरदान भी बन सकता है। हम कोरोना से घबराए नहीं। धरती पर कोरोना जैसे न जाने अब तक कितने अनगिनत महामारियां, तनाव आए हैं, लेकिन हम उन हर तनावों से बाहर निकले हैं और जीत कर दुनिया ने दिखाया है। हमारे चिकित्सा कर्मी, चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हम सब लोगों को ये बात समझाई है कि यदि हम कुछ दिनों के लिए स्टे होम, सेफ लाइफ का अगर हम सिद्धांत अपना लेते हैं तो हर व्यक्ति, हर परिवार अपने आप को इस कोरोना से बचाने में सफल हो जाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु भी कभी चक्रव्यूह में फंसा था, उसे तो निकलना नहीं आता था, लेकिन हम लोगों को इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना आता है। हम डरे नहीं, हारेंगे तो भी हिम्मत से हारेंगे, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। जीत उन्हीं की होती है जो अपने भीतर अपनी हिम्मत बरकरार रखते हैं। आज सुबह ही मैं अपनी ओर से कुछ कविता गुनगुना रहा था और ये कविता के बोल हमें आत्मविजेता बनकर के जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये बोल मैंने अपनी जेहन में उतारे। आप भी कविता के इन पंक्तियों को अपने साथ जोड़ें और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी सुनाकर उनको प्रेरित करें और जन जागृति में अपनी भूमिका निभाएं। कविता के ये बोल सहज रूप से हृदय में उभर कर आए, अच्छा होगा। सब लोग अपने आप को मोटिवेट कर लें, प्रेरित कर लें कि जीने की चाहत नहीं है, मरने का डर नहीं है, मुश्किलों से भाग जाएं यह हमें मंजूर नहीं है। संकट की घड़ियों में धीरज रखना ही धर्म है। संकट की घड़ियों में धीरज रखना ही धर्म है। परिवार और देश को बचाना सबसे बड़ा कर्म है। कोरोना का कीटाणु बम बन रहा परमाणु बम, पर कोरोना कहे डरो ना, बस दिखा दो तुम अपना दम। घर में रहें, सुरक्षित रहें, कितना अच्छा मशविरा है। दुनिया ने बस इसी तीर से महामारी को चीरा है। दुनिया ने बस इसी तीर से महामारी को चीरा है। हम भी जीतेंगे महामारी, एकजुटता दिखलाएंगे। उम्मीदों की नई किरण से नया सवेरा लाएंगे। उम्मीदों की नई किरण से नया सवेरा लाएंगे। ऐसे वक्त में चाहिए क्या, हर व्यक्ति घर में रहे, आपस में दूरी बनाकर रखे, एक दूसरे की मदद करे, देश के लिए अपनी आहुति समर्पित करे। तो ये वक्त का तकाजा क्या है, बस केवल सहयोग चाहिए एक दूजे का, एक दूजे को। बस केवल सहयोग चाहिए एक दूजे का, एक दूजे को। अपना घर भी मंदिर जैसा, इसे सहेजो, संभालो इसको। जो लोग
इस समय डॉक्टर बनकर धरती पर आए हुए इस प्रकोप को दूर करने में लगे हुए हैं। हम उन डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, वे देवदूत और फरिश्ता बनकर के धरती के कष्ट को दूर करने में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो डॉक्टर देवदूत होते हैं, डॉक्टर देवदूत होते हैं, इनका हम सब मान बढ़ाएं। डॉक्टर देवदूत होते हैं, इनका हम सब मान बढ़ाएं। शासन और प्रशासन को हम हर संभव मदद पहुंचाएं, हर संभव मदद पहुंचाएं। आने वाले कल के लिए अब आपको और हम सभी लोगों को अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। हमें अपनी जीवनचर्या ऐसी बनानी होगी कि फिर से ऐसे किसी तरह के कोरोना वायरस का संक्रमण और आक्रमण न हो पाए। हमें अपनी जीवन शैली और आहार खान पान को हमें बदलना होगा। सुधारें अब जीवन शैली को, खान पान आचार विचार, मानवता का ध्यान रखें हम, अच्छे रखें अपने संस्कार। सुधारें अपनी जीवन शैली को, सुधारें अब जीवन शैली को, खान पान आचार विचार, मानवता का ध्यान रखें हम, अच्छे रखें अपने संस्कार, अच्छे रखें अपने संस्कार, अच्छे रखें अपने संस्कार।